हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वेब पेज मैंने खोल के रखा हुआ है, ये वो वेब पेज है जहां पे आपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप अप्लाई करना है। ठीक है, तो जी हाँ, एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। जून 2023 में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टर्म एंड एग्जामिनेशन देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपके लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा भी, धीरे धीरे आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेना। बहुत सारे लोग हो सकता है फॉर्म फिलअप करते वक्त परेशान हो जाए, पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, तो आपको जो है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो देख लो, सबसे पहले डेट्स को अपने दिमाग में रख लो कि 5 अप्रैल से पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। 5 अप्रैल से पहले आपने फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको जो है फाइन लगेगा 5 अप्रैल के बाद। 5 अप्रैल तक अगर कर लेते हो तो एग्जामिनेशन फी जो है वो ₹200 पर पेपर आपको पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल पेपर है तो उस केस में 4 क्रेडिट पॉइंट का अगर वो पेपर है तो आपको 300 लगेंगे, और अगर 4 से ज्यादा है तो आपको 500 लगेंगे। प्रोजेक्ट फीस में भी वही है, 4 क्रेडिट वाला लिमिट जो है वो रहेगा सेम टू सेम। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल में। एग्जामिनेशन के लिए मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया ₹200 पर पेपर ही रहेगा, लेकिन वो 6 से 5 अप्रैल तक के बीच में है। 5 अप्रैल जैसे ही क्रॉस कर जाएगा, 6 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उस केस में ₹500 आपको लेट फी लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो कोशिश करना कि 5 अप्रैल के पहले ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। इन केस अगर आप 25 अप्रैल तक भी नहीं करा पाते, 26 अप्रैल के बाद कराते हो, तो उस केस में आपको ₹1100 का जो है लेट फी पे करना पड़ेगा। भाई तो ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती है जो इग्नोर कर रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो इसमें गलतियां हैं फॉर्म में, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, इसको वो लोग 1 महीने में ठीक कर पाएंगे। अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो सारे लोग मिलकर के मेल करना इग्नू को कि देखो ये प्रॉब्लम आपके वजह से हमें हो रही है। प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है ना। तो नीचे में इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेल इनमेट्स के लिए होती है, जो लोग जेल से कैदी होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है। नंबर्स वगैरह यहाँ पे दी हुई है डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे ओवरसीज स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेंटेटिव जो डेट शीट है मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। एंड यस, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है कि आपने एग्री कर लिया है। उसके बाद फिर आपने आगे की ओर बढ़ना है। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये वेब पेज जो है खुल नहीं रहा, कुछ इश्यूज हैं, ये देखो खुल गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, अपना प्रोग्राम कोड डालना है। आप अगर एमकॉम कर रहे हो तो एमकॉम डालोगे, बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज करना है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन सेंटर आपने जो आपका रीजनल सेंटर है, जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो आप कोलकाता चूज करोगे, दिल्ली से हो तो वहां पे दिल्ली एनसीआर में 2-3 है, तो वो आपने चूज करना है। करने के बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब अगले पेज में आप जाएंगे, मेरे यहाँ पे किसी का एनरोलमेंट नंबर ले नहीं रखा तो मैं नहीं करूंगा, तो जैसे ही आप अगले पेज में जाएंगे वहां पे आपको ना कोर्स चूज करने के लिए दिया जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज के आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो एमकॉम के केस में जो नया कोर्सेज है, जो न्यू कोर्सेज लॉन्च किया गया है एमकॉम के अंडर, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में, इवन फर्स्ट सेमेस्टर में भी MCA 21 एक नया पेपर है, तो वो तो हालांकि आ गया होगा, बट सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अभी तक वहां पे शो नहीं करेंगे। जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको वहां पे शो नहीं करेगा, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो है इग्नू समय के साथ इवेंचुअली ठीक कर देंगे, ये मुझे भरोसा है। बट अभी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं कहूंगा कि अभी आप फॉर्म फिलअप मत करना, थोड़ा वेट कर लो, 15 दिन निकल जाने दो, 1 महीने का टोटल टाइम है, 15 दिन निकल जाए, 15 दिन बाद कर लेना फॉर्म फिलअप। तब भी अगर नहीं होता है तो जो जो शो करेगा उसको कर लेना एक बार, और जब बाद में जब बाकी का शो करेगा, ठीक है ना, तब आप एक बार कर लेना। तब वेट करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना लेट होता जाएगा रश बढ़ता जाएगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको लेट फी वाली बात बताई वो तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 के लिए फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, गाइडलाइंस हो सके तो पढ़ लेना, ऐसी उतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, अगले क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।